नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। अस्सलामु अलैकुम, नई सुबह के स्कूलिंग प्रोग्राम फॉर स्लो लर्नर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ सना नज़ीर। सबक नंबर 10, मौसम। अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी नेमतें दी हैं। उसने हमारे लिए ज़मीन बनाई है जिस पर हम चलते फिरते और दौड़ते कूदते हैं। हमारे लिए ज़मीन में तरह तरह के फल, फूल और अनाज उगते हैं। अल्लाह ताला ने हमारे लिए रंग बिरंगे मौसम पैदा किए। हम साल में 4 मौसमों का लुत्फ उठाते हैं। हर मौसम हमारे लिए नए रंग लेकर आता है। सर्दी के मौसम में ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। हर एक गरम गरम कपड़े पहनता है। सब रात को लिहाफ और कंबल ओढ़ कर सोते हैं। आग तापते और धूप में बैठते हैं और अपने जिस्म को हरारत पहुंचाते हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी होती है। लोग शाम से ही घरों में दुबक जाते हैं। मछली फरोशों की दुकानों पर रश बढ़ जाता है। लोग मूंगफली और गाजर का हलवा शौक से खाते हैं। फिर मौसम पलटा खाता है। मुर्दा जमीन में जैसे जान पड़ जाती है। मौसम मोतदिल होने लगता है। अब ना सर्दी लगती है और ना गर्मी। ये बहार का मौसम है। दरख्तों की हरी भरी कोंपलें निकलने लगी। रंग बिरंगी फूल खिलने लगे। फूलों की खुशबू हर तरफ फैली हुई है। परिंदे चहचहा रहे हैं। हर कोई इस मौसम में हशाश बशाश और चाको चौबंद दिखाई देता है। मौसम ने देखते ही देखते एक और करवट ली। सूरज की तपिश बढ़ने लगी। धूप से जी घबराने लगा। घरों में पंखे चलने लगे। दरख्तों के घने सायों में मुसाफिर बैठकर सुस्ताने लगे। हर तरफ ठंडे ठंडे मशरूब पिए जा रहे हैं। बाजारों में बर्फ बेचने वालों के पास भीड़ लगी है। गली मोहल्ले में आइसक्रीम बेचने वालों की आवाज़ें गूंजने लगी हैं। बर्फ़ के गोले बेचने वाले बच्चों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर रहे हैं। लो देखो, आसमान पर काले बादल छा गए। गर्मी के सताए हुए चेहरों पर रौनक आ गई। खुशगवार हवाएं चलने लगीं। बादल की टुकड़ियां इधर उधर घूमने लगीं। बारिश होने लगी। प्यासी ज़मीन सैराब हो गई। फिर खिजा का मौसम आता है। इस मौसम में पौधे और दरख्तों के फूल और पत्ते गिरने लगते हैं। मौसमों की तब्दीली अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। गर्मी हो या सर्दी, बहार हो के खिजा, हर मौसम इंसान के लिए ज़रूरी और मुफीद है। मश्क नंबर 1, मुंदरजा ज़ेल सवालात के जवाबात दीजिए। सवाल नंबर 1, अल्लाह ताला ने हमें कितने मौसम दिए हैं? सवाल नंबर 2, लोग गर्मी से बचने के लिए क्या करते हैं? सवाल नंबर 3, ज़मीन से उगने वाली कोई दो चीज़ों के नाम लिखिए। सवाल नंबर 4, सर्दी का मौसम कैसा होता है? सवाल नंबर 5, बारिश किस मौसम में होती है? मश्क नंबर 2, मुंदरजा ज़ेल अल्फाज के माने लिखिए। नंबर 1, मोतदिल। नंबर 2, मुफीद। नंबर 3, लुत्फ। नंबर 4, तपिश। नंबर 5, सुस्ताना। मश्क नंबर 3, मुंदरजा ज़ेल अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। नंबर 1, नेमत। नंबर 2, मशरूब। नंबर 3, चाको चौबंद। नंबर 4, हशाश मशाश। नंबर 5, मुफीद। मश्क नंबर 4, मुंदरजा ज़ेल अल्फाज को इनके उलट मुतजाद से मिलाइए।
नंबर वन कॉलम के अल्फाज हैं सैराब, शोर, मुफीद, ज़मीन, आग, धूप, गर्मी। और नंबर टू कॉलम के अल्फाज हैं नुकसानदेह, पानी, खामोशी, खुश्क, सर्दी, आसमान, छांव। मश्क नंबर पाँच, मुंदरजा ज़ेल अल्फाज के वाहिद लिखिए। नंबर वन नियामतें, नंबर टू परिंदे, नंबर थ्री कोपले, नंबर फोर साए, नंबर फाइव चेहरे, नंबर सिक्स दुकान। मश्क नंबर छः, सबक मौसम के मुताबिक दुरुस्त जुमलों के सामने सही का निशान लगाइए। नंबर वन, साल में कितने मौसम होते हैं? अलिफ दो, बे तीन, जीम चार, दाल पाँच। नंबर दो, बरसात में आसमान पर कैसे बादल छा जाते हैं? अलिफ नीले, बे काले, जीम सफ़ेद, दाल मटियाले। नंबर तीन, हरी भरी कोंपले कब निकलती हैं? अलिफ सर्दी में, बे गर्मी में, जीम बरसात में, दाल बहार में। नंबर चार, लोग गर्मी में क्या पीते हैं? अलिफ चाय, बे सूप, जीम शरबत, दाल दूध। नंबर पाँच, पहाड़ों पर बर्फबारी किस मौसम में होती है? अलिफ सर्दी में, बे गर्मी में, जीम बहार में, दाल बरसात में। मश्क नंबर सात, नंबर वन, हर मौसम हमारे लिए नई रोशनियां लेकर आता है। नंबर दो, बहार के मौसम में सब लोग आग तापते हैं। नंबर तीन, बरसात के मौसम में प्यासी ज़मीन सैराब हो जाती है। नंबर चार, सर्दी के मौसम में हर कोई हशाश बशाश दिखाई देता है। नंबर पाँच, हर मौसम इंसान के लिए मुफीद और ज़रूरी है। मश्क नंबर आठ, ये जुमला गौर से पढ़िए। फिर मौसम ने पलटा खाया, बताइए इस सबक में मौसम के पलटा खाने से क्या मुराद है? मश्क नंबर नौ, दिए गए हरूफ जार में से मुनासिब हरूफ लगाकर जुमले मुकम्मल कीजिए। हरूफ जार ये हैं मैं, तक, से। नंबर वन, बारिश डैश मौसम बदल गया। नंबर टू, अगस्त डैश गर्मी पड़ी। नंबर थ्री, मैं कल डैश आऊँगा। इसी के साथ हमारा आज का ट्यूटोरियल अपने अख्तिताम को पहुँचा। आइंदा फिर किसी ट्यूटोरियल के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए रास्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।